आम दिव्या कथीरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा OCM सब्जेक्ट और उसमें भी चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 क्लियर। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने उसके अलग अलग टाइप के फॉर्म देखे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप था, HUF था और पार्टनरशिप था। तो हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में देख लिया, आज हम लोग उसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, यानी कि दो या फिर उससे ज़्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे भी है। सेम एज इट इज़, अगर कोई कॉइन है तो ऑफकोर्स उसके टू साइड होने वाले हैं, प्लस साइड होता है तो माइनस साइड भी कभी ना कभी होगा, तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन उसका एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट वन है इजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिश मेंट, यानी कि अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करना है तो आप बहुत ही इजीली और उसका प्रोसेस बहुत ही मतलब सिंपल है। आप कैसे भी अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप पार्टनर बनना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप फॉर्म इजीली शुरू कर सकते हो। क्लियर। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पार्टनरशिप फॉर्म इज इजी एंड लेस एक्सपेंसिव, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है क्योंकि इतना लीगल लेंथी प्रोसेस भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी बट एडवाइजेबल, अगर हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है कोई बात नहीं है, अगर हम लोग लीगली नहीं चलना चाहते यानी कि ऑन पेपर नहीं चलना चाहते। हाँ, लीगल बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा बिजनेस मतलब वॉइड हो जाएगा, कैंसिल करना पड़ेगा, सेल भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन वगैरह आता है। तो इन शॉर्ट कि अगर आपको ऑन पेपर अपना जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो नहीं दिखाना है तो भी चलेगा, लेकिन एडवाइजेबल है कि अगर आप दिखाते हो तो फ्यूचर में अगर कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसमें इजीली सॉल्यूशन ले सकते हो। क्लियर। और सेम एज इट इज़ उसको एज अ प्रूफ हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड वन जो है वो है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप फॉर्म में ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदे मैनेजमेंट करेंगे, सारे बंदे मैनेजमेंट कर भी सकते हैं और उन सबके बिहाफ में कोई एक बंदा भी मैनेजमेंट कर सकता है। क्लियर। द पार्टनरशिप फॉर्म गेट्स अ बेनिफिट ऑफ द नॉलेज इंटेलिजेंस स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ मैनी पार्टनर, यानी कि एक से भले दो, दो से भले चार, ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई अगर एक बंदा अपना दिमाग चलाता है तो उससे बेटर है कि सारे पार्टनर अगर अपने दिमाग चलाते हैं, अपने अपने अलग अलग स्किल के अकॉर्डिंग अगर कोई नए नए आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं तो हमारा बिजनेस जो है उसको बहुत ही अच्छे से और एफिशिएंटली हम लोग प्रेजेंट कर पाएंगे। क्लियर। देयर इज़ अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अ पार्टनर ओवर एम्प्लॉयज़, द फर्म इज़ अ मैनेज्ड एफिशिएंटली, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोई मिडल मैन वगैरह नहीं होगा, डायरेक्टली जो पार्टनर्स है वो अपने एम्प्लॉय के साथ कनेक्टेड होंगे या तो फिर अपने कस्टमर के साथ कनेक्टेड होंगे, तो उसके वजह से डायरेक्ट रिलेशन होने के वजह से क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है ना तो हम लोग इजिली और तुरंत हम लोग प्रॉम्प्टली उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं ताकि हमारा मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से चल पाए। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन अ गुडविल एंड क्रेडिट वर्दीनेस। अब यहाँ पे हमें ये खास देखना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग बिजनेस चला रहे तो सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन है वो हम लोग कैश पे ही करेंगे, कभी कभी ऐसे रिक्वायरमेंट आ भी जाती है कि हम लोगों को क्रेडिट के बेसिस के ऊपर भी कुछ ट्रांजेक्शन डन करने पड़ सकते हैं। एज अ एवरी पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी जनरली तो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि जहाँ पे आपने पहले से प्री कंडीशन के थ्रू अगर ऐसा लिमिटेड लायबिलिटी किया है तो अलग बात है। अदर ट्रेडर्स डू नॉट हेजिटेट टू सेल द गुड्स क्रेडिट ऑन क्रेडिट और लैंड फाइनेंस टू द फर्म, तो उसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा कि भाई उसको पता है कि यहाँ पे 5 या 6 फॉर एग्जांपल इतने बंदे हैं, सबका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो अगर मैं उसको क्रेडिट के ऊपर कोई माल बेचता हूँ या तो फिर कोई गुड सेल करता हूँ तो मुझे इतना तो भरोसा होगा ही कि वो लोग कैसे भी करके अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी मेरा डेप तो पेमेंट करेंगे ही करेंगे, यानी कि वो लोग एक बंदे से ऊपर ट्रस्ट करेंगे, उससे बेटर है कि वो लोग ज़्यादा बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि सब मिला के तो डेप पेमेंट कर ही सकते। एक बंदा डेप्ट पेमेंट करेगा, हो सकता है कि उसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाए फिर भी ना हो पाए, लेकिन अगर ज़्यादा पार्टनर्स है तो वो सब मिलके उसका डेप्ट कभी ना कभी तो पेमेंट कर ही देंगे, तो उसको मतलब हिचकिचाट नहीं होगा कि मैं उसको दूँ या फिर ना दूँ, वो लोग इजीली हम लोगों को फाइनेंस भी लैंड कर सकते हैं अगर हम लोगों को ज़रूरत है तो। क्रेडिटर कैन कवर दैट डेप्ट फ्रॉम एनी पार्टनर, यहाँ पे सॉरी बाय टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डेप्ट आएगा, डेथ नहीं होगा। अगर उसका कोई डेप्ट है हमारे पास यानी कि उसने हमें कोई क्रेडिट के ऊपर माल बेचा है या फिर फाइनेंस दिया है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो कभी ना कभी उसको भरोसा हो जाएगा कि वो हमारे कोई भी पार्टनर से वो डेप्ट मतलब अपना वसूल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने इसको दिया था तो बाकी के पार्टनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारे पार्टनर की पर्सनल
पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि अगर किसी ने कुछ हमें दिया है तो सब पार्टनर मिलके उसको सॉल्व आउट करेंगे। दस इन द कंपेरिजन टू सॉल प्रोप्राइटरशिप द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म इज मोर, यानी कि लोग हमारे ऊपर क्रेडिट के बेसिस के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे इन कंपेरिजन टू सॉल प्रोप्राइटरशिप। सॉल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि एक ही बंदा था, तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को भरोसा ना आए कि भाई ये एक बंदा कितना मतलब डेट पेमेंट करेगा या फिर अपना प्रॉपर्टी बेच देगा फिर भी नहीं हो पाएगा, तो हम लोग उसको पहले से ही क्यों दें। और यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो उसको भरोसा होगा कि चलो ये एक बंदा नहीं चुका पा रहा है कोई बात नहीं, बाकी के तो चुका देंगे, क्योंकि सबका लायबिलिटी कैसा बनता है, जॉइंटली भी बनता है और पर्सनली भी बनता है, क्लियर। तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में ये क्रेडिट होने की वजह से हम लोगों को क्रेडिट के बेसिस के ऊपर गुड्स भी मिल जाएंगे और अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी मिल जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं मोर कैपिटल। ऑफकोर्स जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतने ज़्यादा कैपिटल लेके आएंगे, अगर हमें फ्यूचर में कोई बिजनेस एक्सपांड करना है हमारा या फिर नया कोई डेवलपमेंट करना है तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, क्लियर। इन पार्टनरशिप फॉर्म एज देर आर अ टू और अ मोर पार्टनर्स मोर कैपिटल कैन बी रेज्ड, यानी कि हमें पता है कि दो या फिर उससे ज़्यादा बंदे होने वाले तो ही पार्टनरशिप होगा, तो अगर जितने भी बंदे हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं या हमारे यहाँ पे पार्टनर्स हैं वो सब कुछ ना कुछ लेके आएंगे अपने पोर्शन के हिसाब से, जैसा पहले डिसाइड किया होगा उस हिसाब से, तो ऑफकोर्स एक बंदा जितना कैपिटल लेके आ सकता है तो बेटर है ना कि चार या पांच बंदे कुछ लेके आता है, तो अगर हम लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा वर्क करना है तो भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से फाइनेंस लैंड करना पड़े तो उसका इंटरेस्ट वगैरह भी पेमेंट करना पड़ सकता है, क्लियर। फिर है फॉर एडिशनल कैपिटल न्यू पार्टनर कैन एडमिट, यहाँ पे ये बात खास ध्यान रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को कुछ नया गुड्स लॉन्च वगैरह कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अगर हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है तो हम लोग नए बंदे को ऐड भी कर सकते हैं कि एज अ पार्टनर अगर आपको रहना है तो वो ऐड भी कर सकते हैं हम लोग उसको, और वो क्या करेगा अपने हिस्से की कैपिटल भी लेके आएगा। इन शॉर्ट हमारे दो फायदे हो जाएंगे कि हम लोगों को फाइनेंस कहीं से लेना भी नहीं पड़ेगा प्लस उसका इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ेगा, क्लियर। क्योंकि वो अगर पार्टनर बन जाता है तो वो मतलब जब तक हमारा पार्टनरशिप चलेगा तब तक वो वापस पैसे मांगेगा भी नहीं, और अगर हम लोगों ने कहीं से लिया है तो क्या होगा उसका टाइम लिमिट जब भी खत्म होगा हमें उसको पैसे वापस रिटर्न करने पड़ेंगे, क्लियर। फिर है एडवांटेजेस ऑफ अ डिवीजन ऑफ अ लेबर। ऑफकोर्स जहाँ पे ज़्यादा बंदे होंगे ज़्यादा आइडियाज़ ज़्यादा स्किल्स पावर उसके जो भी इंटेलिजेंस है वो सब कुछ मिलेंगे, तो हम लोग उसको स्किल के अकॉर्डिंग भी वर्क अलॉट कर सकते हैं, यानी कि वर्क को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी ऑफ अ पार्टनर्स, यानी कि जिसको जो काम ज़्यादा अच्छा आता है उसको वही काम देंगे तो वो काम कैसा होगा बेस्ट क्वालिटी का हो पाएगा, क्लियर। उसमें देखते हैं एडवांटेजेस कैन बी डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि अगर हमारे कोई पार्टनर्स के पास कोई स्किल ज़्यादा अच्छी है तो हम लोग उसको वो टाइप के वर्क दे सकते हैं, कोई कस्टमर को ज़्यादा अच्छे से कन्विंस कर सकता है तो उसको वो डिपार्टमेंट दे सकते हैं, किसी का बार्गेनिंग में बहुत ही अच्छा मतलब माइंड चल रहा है तो उसको हम लोग वो दे सकते हैं, किसी का मतलब गुड्स परचेसिंग सेलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा माइंड है, कोई फाइनेंस में अच्छा है, तो हम लोग ऐसे वर्क को क्या कर देंगे बायफोगेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू स्किल, तो हम लोगों के जो वर्क होंगे हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा हमें बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, क्लियर। फिर है वर्क कैन डिवाइड अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड एक्सपीरियंस, उसका जैसा स्किल होगा वैसे हम लोग उसको वर्क देंगे, सो द एडवांटेजेस ऑफ अ डिवीजन ऑफ अ लेबर कैन बी ऑब्टेन। सो हमारे यहाँ पे जितने भी अलग अलग टाइप के स्किल्स है उसका सबका हम लोग एडवांटेजेस ले सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा कि सबको सारे काम थोड़े थोड़े देंगे ना तो हो सकता है कि कोई अच्छे से कर पाए कोई अच्छे से ना भी कर पाए। चलो नेक्स्ट वन है प्रॉपर डिसीजन। ऑफकोर्स जहाँ पे ज़्यादा बंदे होंगे ज़्यादा दिमाग लगेगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है तो दूसरे के ख्याल में आ सकता है, अगर उसको भी ऐसे कोई आइडिया नहीं आता है तो मतलब कोई ना कोई करते, तो अगर ज़्यादा बंदे हैं ना तो किसी के प्लस पॉइंट होंगे किसी के माइनस पॉइंट होंगे तो वो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, क्लियर। तो उसमें देखते हैं ऑल पार्टनर्स हैव अ राइट टू टेक अ पार्ट इन अ डिसीजन प्रोसेस। सारे बंदे जरूरी नहीं है कि डिसीजन प्रोसेस में पार्टीशन लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके पास ये राइट ऑलवेज होता है कि वो जब भी चाहेंगे वो डिसीजन प्रोसेस में अपना पार्टीशन दे सकते हैं। ओपिनियन ऑफ ईच पार्टनर इज नोटेड, यानी कि अगर हम लोग कोई अच्छा डिसीजन या तो फिर कोई मेजर डिसीजन पास कर रहे हैं तो हम हमारे जितने पार्टनर्स हैं उन सबका ओपिनियन कंसिडर करेंगे, एंड ओनली देन
इन द इंटरेस्ट ऑफ अ बिजनेस, और सिर्फ वही डिसीजन के लिए जहाँ पे हमारे बिजनेस का कोई ना कोई फायदा हो सकता है। हम लोग पर्सनल मैटर के लिए ये ओपिनियन वगैरह नहीं लेंगे। हम लोग सिर्फ किसके बारे में ये ओपिनियन कंसिडर करेंगे? बिजनेस के इंटरेस्ट में। क्लियर? अ डिसीजन इज अ टेकन बाय कंसर्न, यानी कि सारे पार्टनर्स का कंसर्न हम लोग क्रिएट करेंगे, उसका कंसिडरेशन करेंगे, उसका ओपिनियन लेंगे, फिर क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा वो हम लोग सब मिलकर डिसाइड करेंगे। बेनिफिट ऑफ ऑल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल पार्टनर इज अवेलेबल। अब हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबके जो नॉलेज है, स्किल्स है, उसका एडवांटेजेस हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हमें फाइनेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है और हमारा कोई अनदर पार्टनर है, उसका फाइनेंस में बहुत ही अच्छा स्किल है, पावर है, तो हो सकता है कि अगर हम लोगों ने फाइनेंस के बारे में कुछ गलत डिसीजन लिया है तो वो हमारा डिसीजन अच्छे से मतलब रेक्टिफाई कर सकता है। क्लियर? ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के प्लस माइनस पॉइंट है ना, उसको बैलेंस कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन इज अ वेरी लेस, यानी कि अगर हम लोग कभी रॉन्ग डिसीजन ले भी पाएंगे, अगर ले भी लिया है गलती से, तो क्या होगा, एक दूसरे के पार्टनर के ध्यान में भी अगर आ जाता है तो हम लोग उससे बच सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन है फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी अग्रीमेंट। ऑफकोर्स अगर पार्टनरशिप हमें क्रिएट करना है तो पहले तो अगर पार्टनर खुद रेडी होगा तो ही हम लोग उसके बारे में आगे सोचेंगे। क्लियर? अगर उसको करना ही नहीं है तो पार्टनरशिप का सवाल ही नहीं है। यानी कि ये क्या है, वॉलंटरीली अग्रीमेंट है, यानी कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला अग्रीमेंट है कि अगर दो दोस्त, तीन दोस्त मिलके ऐसा बोलते कि हम लोगों को मिलके ये बिजनेस चलाना है, तो हाँ, उसकी कंडीशंस के हिसाब से वो लोग मिलके अपना बिजनेस चला सकते हैं। अग्रीमेंट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब हमने ही अग्रीमेंट प्रिपेयर किया है तो अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि जिसके वजह से हमें अग्रीमेंट में थोड़ा बहुत चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसको सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेसेसरी चेंज कैन ईजिली बी मेड इन अ मैनेजमेंट विद अ पार्टनर कंसेंट। अगर कोई ऐसे चेंजेस है जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए तो हम सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेके उसको मैनेजमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन जो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि यहाँ पे माइनॉरिटी को हम लोगों को एज के हिसाब से कंसिडर नहीं करना है, हमें वोटिंग के हिसाब से कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होगा कि चलो अगर हमारे यहाँ पे पांच या छह पार्टनर है, चार पार्टनर एक साइड है और दो पार्टनर एक साइड है, तो दो पार्टनर का जो वोटिंग होता है वो हम लोग किस में काउंट करते हैं, माइनॉरिटी में। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट से हमें यहाँ पे सोचना है। देन उसमें देखते हैं, ऑल टाइप ऑफ अ वर्क इज अ कैरिड आउट विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, यानी कि जितने भी काम हम लोग करेंगे, जितने भी डिसीजन लेंगे, उसमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट हम लोगों को कंसिडर करना बहुत ही जरूरी है। इफ वन पार्टनर डज नॉट अग्री टू एनी डिसीजन देन दैट वर्क कैन नॉट बींग, यानी कि अगर एक भी पार्टनर मना करता है, सारे पार्टनर एक तरफ है और एक अकेला पार्टनर जो है वो ऐसा बोलता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है ये डिसीजन जो आप ले रहे हो, अगर एक बंदा भी मना करता है सारे पार्टनर्स में से तो भी ये काम आगे नहीं चल सकता है। हो सकता है चलो कि अगर कोई एक बंदा है उसको इस बारे में नॉलेज है, बाकी के सारे बंदे को इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इन रियलिटी ये काम आगे चल के फ्यूचर में अगर हम लोगों को डिसएडवांटेजेस दे सकता है, तो उस हिसाब से अगर उस पार्टनर ने ऐसा बोला कि अगर आप ये काम करते हो तो आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, तो वो डिसीजन कभी भी पास नहीं होगा। यानी कि अगर एक बंदा भी मना करता है तो वो काम आगे नहीं चल पाएगा। एनी पार्टनर कैन आस्क फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और देन आफ्टर भी अगर कोई नहीं मानते हैं और वो सारे पार्टनर ऐसा बोलते हैं कि नहीं हमें ये करना ही करना है, तो वो अकेला बंदा भी या तो फिर कोई भी पार्टनर डिसॉल्यूशन के लिए डिमांड कर सकता है। यानी कि वो ऐसा बोल सकता है कि आज से हमारा पार्टनरशिप खत्म, चलो जैसा जिसका रेशियो है वैसा हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं, फिर आगे का आपको जो सोचना है वो। यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप क्या होगा, अगर एक बंदा भी ऐसा बोलता है तो वो हम लोग खत्म भी कर सकते हैं। दिस वे द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी इज प्रोटेक्टेड। तो इसके हिसाब से ऐसा जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी विंस। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर अकेला बंदा एक तरफ है वो राइट है, तो वो डिसॉल्यूशन की मांग भी कर सकता है, या तो फिर वो अपने डिसीजन को गलत ना ठहराते हुए, या तो फिर बिजनेस के हित के लिए, बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए वो ऐसा डिसॉल्यूशन या तो फिर ऐसा काम ना करने की डिमांड भी कर सकता है, भले ही वो अकेला हो। देन फिर नेक्स्ट वन है डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर। यहाँ पे ये खास हमें बेनिफिट करेगा कि हमारे जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होंगे, यानी कि उसके साथ डायरेक्टली जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं, तो उसके वजह से हमारा फ़ायदा क्या होगा कि अगर कस्टमर को कोई डिमांड चेंज करने या तो फिर उसको कोई कन्फ्यूजन है तो हम लोग उसको कन्विंस कर पा रहे हैं। क्लियर? तो उसको हम लोग ईजिली कन्विंस कर पाएंगे। लाइक द सोल प्रोप्राइटरशिप इन अ पार्टनरशिप,
ऑल्सो, यानी कि जैसा सॉल प्रोप्राइटरशिप में था वैसा ही पार्टनरशिप में भी है, चेंज कैन बी मेड इजिली एज देर आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर एंड एम्प्लॉइज। हमारे यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे जितने थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यानी कि हमारे जो कस्टमर्स है, क्रेडिटर है, वॉट एवर, जिस सबके साथ हमारा कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है तो वो डायरेक्टली हम लोगों के तक पहुंचा सकते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग हमारे मैनेजमेंट में कोई भी चेंज इजीली कर सकते हैं जो हमारे बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकता है। जो हमारा है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी कि अगर कोई एक बंदे के पास सारा पावर अवेलेबल है तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे, और अगर सारे बंदे के पास थोड़ा थोड़ा पावर अवेलेबल है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, जितने भी पार्टनर्स अवेलेबल होंगे उन सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और उन सबके पास पावर और अथॉरिटी भी होगा, तो कोई फाइनेंशियल रिलेटेड कोई मिसयूज नहीं हो सकता। क्लियर? यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कर सकते कि चलो एक ही पार्टनर है वही सब कुछ फाइनेंस का देखेगा, बाकी सारे पार्टनर्स है वो कभी उसके रिलेटेड मतलब मैटर में इंटरप्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सारे पार्टनर को हक है कि वो कोई अगर अच्छा काम हो रहा है या फिर बिजनेस के हित में हो रहा है, इंटरेस्ट में हो रहा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस करना है नहीं करना है वो डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि कोई एक बंदे के पावर अगर अवेलेबल होता है, पावर उसके पास होता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने पावर का मिसयूज करे या तो फिर पर्सनल यूज़ के लिए भी बिजनेस का फाइनेंस यूज़ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि सारे पार्टनर्स के पास पावर अवेलेबल है। क्लियर? There are more than two partners, so economic power is divided among all partners. यानी कि economic power का मतलब क्या होगा, financial power, सारे के सारे partners के पास ये right रहेगा। और last one जो हमारा है वो है less burden of income tax. यहाँ पे कैसे होगा कि भाई जितने भी partners है उन सबके बीच में हम लोग profit और loss क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, bifurcate कर देते हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू रेशियो और अकॉर्डिंग टू जैसा हम लोगों ने अग्रीमेंट में डिसाइड किया होगा उसके हिसाब से। तो अगर हम लोग बिजनेस का इनकम दिखाते तो वो जॉइंटली इनकम कैसा दिखता, बड़ा इनकम दिखता, और अगर सबको बाइफरगेट कर देते हैं सारे पार्टनर्स को तो इनकम का रेशियो कैसा हो जाएगा, अमाउंट कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जितना आपका लेस अमाउंट होता है उसके हिसाब से आपका टैक्स का रेशियो भी कैसा हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है। क्लियर? प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर एज पर डिड एंड देयरफॉर द बर्डन ऑफ इनकम टैक्स इज लेस, यानी कि इसके वजह से हमारा जो बर्डन है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे ये हो गए हमारे सारे एडवांटेजेस कि अगर आप दो या फिर उससे ज़्यादा लोग मिलके अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके वजह से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। क्लियर गाइस? तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं, बाकी के जो डिसएडवांटेजेस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय गाइज।